आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए CDP के प्रैक्टिस सेट को लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें आपको प्रत्येक दिन जो है CDP के साथ साथ सीटेट के जो सिलेबस है उनके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। मे बी आपके एक या दो दिन बाद जो है आपके थ्योरी पोर्शन भी जो है स्टार्ट किए जाएंगे, तो आप लोग मोर देन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है दिसंबर माह में होंगे, इसलिए जो है मोर देन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो यह हमारा जो है CDP का सेट 1 है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि बच्चे के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास के लिए साथ ही साथ मनोसामाजिक विकास के लिए क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन देखिए, योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो भी बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास जो होता है या मनोसामाजिक जो विकास होता है वह कैसे होता है। योग करते हैं तो उससे होता है, औपचारिक खेल खेलते हैं जैसे क्रिकेट हो गए, कोई नियम वाला खेल खेलते हैं औपचारिक, अनौपचारिक खेल खेलते हैं जिसमें कोई नियम नहीं होता है, बस वो खेलते हैं आनंद के लिए। तो ये तीनों कामों के द्वारा जो है योग, औपचारिक खेल और अनौपचारिक खेल के माध्यम से ये बच्चों का जो है शारीरिक एवं मनोसामाजिक जो विकास होता है तत्पर ढंग से सही ढंग से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मेरी बात आप समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है आप मुझे बताएं। मोटिवेशन आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी चीज़ को हमें पाना होता है, अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो होता है फिर से उस काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो दूसरे के द्वारा हमें मोटिवेशन मिले या आत्म मोटिवेशन मिले, आत्म मतलब अभिप्रेरणा मिले कि हाँ मुझे वो चीज़ करना है। जैसे सीटेट ही आपको निकालना है तो ये तो अंदर से जगना चाहिए ना कि हाँ मुझे दिसंबर में सीटेट निकालना है, अच्छे नंबर लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा तो आप पढ़ाई करेंगे। तो वही बात है यहाँ पर। तो मोटिवेशन क्या है, ऑप्शन देखिए, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। दूसरा ऑप्शन, किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा शक्ति। अभिप्रेरणा सामान्यतः बालकों में निराश का भाव उत्पन्न करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो देख रहे हैं कि किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति जो होता है आपका वही अभिप्रेरणा होता है, मतलब मोटिवेशन होता है। बाकी आपका ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन और ऑप्शन चार ये सब गलत है। मेरी बात आप समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संज्ञान का अर्थ क्या है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है बताइए, कॉग्निटिव होता है, संज्ञान का अर्थ क्या होता है। जैसे संज्ञानात्मक विकास बच्चों का कैसे होता है, सोचने समझने की जो विकास होता है वो कैसे होता है। जब बच्चे किसी चीज़ को प्रयत्न करते हैं, बार बार करते हैं या उस चीज़ में लिप्त हो जाते हैं तो बच्चों का जो मानसिक है, शारीरिक शक्ति जो होता है, जो मानसिक शक्ति होता है तीव्र गति से विकसित होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। संज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान या समझ, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, याद रखिएगा, सीखने के लर्निंग के जो आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है उनके प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन देखिए, थर्नडाइक, पावलोव, कोहलबर्ग और आपका स्किनर। तो देखिए, जो सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के जो मुख्य प्रतिपादक है वो आपके जो है थर्नडाइक है। कौन है, थर्नडाइक है। आपने देखा होगा इनका एक बहुत सारे इन्होंने सिद्धांत दिया है, साथ ही साथ पावलोव ने दिया है कुत्ता के ऊपर, स्किनर ने भी दिया है, फिर आपका कोहलबर्ग ने भी दिया है। तो ये आप देख लेंगे एक बार, सीखने के जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक थे वह थर्नडाइक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जब शिक्षार्थी को समूह में क्रिया समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनमें या उनके सीखने का वक्र क्या होता है। देखिए, जब शिक्षार्थी को जो होता है, जब स्टूडेंट को जो है समूह में किसी समस्या को चर्चा करने का या समाधान करने के लिए अवसर दिया जाता है तब
उसके सीखने का जो वक्र होता है वो क्या होता है, बेहतर होता है, स्थिर होता है, या अवनत होता है, या समान रहता है। ये सीटेट 2016 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। तो देखिए, जब हम किसी शिक्षार्थी मतलब जब शिक्षार्थियों को जो है समूह में किसी कार्य को करने के लिए या समस्या समाधान करने के लिए दिया जाता है, तो जो उनके सीखने का जो वक्र होता है, जो क्रम होता है, उसमें क्या होता है, बेहतर होता है, मतलब कि और अच्छा बनता है। जब वो समूह में कार्य करेंगे, जब वो किसी चीज़ के ऊपर मंथन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो उनका जो सीखने का जो क्रम होता है ना, वक्र होता है, वो क्या होता है, बेहतर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि शिक्षण, देखिए शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आता है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो क्या है, त्रिस्तरीय है, मतलब तीन सूत्रीय है। इसमें क्या क्या आता है, जो आपका शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें तीन स्तरीय प्रक्रिया है, तो इसमें क्या क्या आता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें छात्र भी आता है, शिक्षक भी आता है, पाठ्यक्रम भी आता है। जब कोई बच्चा कुछ सीखता है या जो भी शिक्षण प्राप्त करता है, तो उसमें क्या क्या जरूरत, पहले सबसे पहले तो पाठ्यक्रम की जरूरत पड़ता है, उसके बाद शिक्षक की जरूरत पड़ता है, तब जो है छात्र की जरूरत पड़ता है। पाठ्यक्रम होगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे, और शिक्षक किसको पढ़ाएंगे, छात्र को पढ़ाएंगे, चाहे ये भी बोल सकते हैं कि छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका चार नंबर हो जाएगा, ये सभी, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका, सोचना एक क्रिया है, जो आपका थिंकिंग है वह क्या है, एक प्रकार का क्रिया है, कौन सी क्रिया है। ऑप्शन आप देखेंगे, निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया है, उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया है, निम्न एवं उच्च दोनों प्रकार की मानसिक क्रिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए, जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारा सोचना है, वह एक प्रकार का जो है आपका उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया है। हम जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं या जब किसी हम कठिनाई में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं, या किसी समस्या को समाधान करने के लिए हम बहुत सोचते हैं, तो वो सोचना क्या होता है, उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया होता है। जितना हम सोचेंगे उतना हमारी मानसिक जो क्रिया होती है तीव्र होती है, और हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है वृद्धि होती है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा जो है किया जा सकता है, कि पिछड़े बालक की पहचान आप जो है कक्षा कक्ष में कैसे करेंगे, या कहीं भी जो है आप कैसे करेंगे। जैसे देखिए, सामूहिक परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, व्यक्तिगत परीक्षण मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो या जो पिछड़े बालक की पहचान होती है वो कैसे की जाती है, वो सामूहिक प्रशिक्षण के द्वारा भी किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण के भी द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ व्यक्ति बुद्धि की पर मतलब व्यक्ति बुद्धि परीक्षण के द्वारा, व्यक्तित्व बुद्धि के परीक्षण के द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका चार नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, सीटेट जून 2011 में प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिएगा। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिभाशाली मतलब कि बेहतर होने का संकेत नहीं है, बल्कि है नहीं, नहीं है पूछ रहा है। देखिए, सृजनात्मक विचार, जो क्रिएटिविटी थिंकिंग होता है, यह तो है भाई। मान लें कि कोई बच्चा क्रिएटिव करता है, कोई सृजन करता है, तो यह क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे का होने का संकेत है, तो ये हमारा हो गया। दूसरे के साथ झगड़ा करना, तीसरा ऑप्शन देखिए, अभिव्यक्ति में नवीनतम, अभिव्यक्ति में जो है नया रूप, नया स्वरूप लाना, ये भी हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चों का क्या हो सकता है संकेत। जिज्ञासा होना, किसी सब्जेक्ट को सीखना, किसी काम को करने के लिए जिज्ञासा होना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रतिभाशाली होने का संकेत है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो वो जो है आपका ऑप्शन बी है, दूसरों के साथ झगड़ा मतलब झगड़ना, ये जो है किसी प्रतिभाशाली बच्चों का जो है संकेत नहीं है, ये गलत बच्चे हो गए। ये बाकी आपका तीन जो ऑप्शन देख रहे हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों का होने का संकेत है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि डिसग्राफिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। ये आपको जो है डीएलएड में भी पढ़ा होगा, बीएड में भी पढ़ने को मिला होगा कि डिसग्राफिया जो होता है मुख्य रूप से जो है कैसी समस्या है, सुनने की समस्या है कि पढ़ने की समस्या है कि बोलने की समस्या है कि लिखने की समस्या है। तो डिसग्राफिया जो होता है मुख्य रूप से जो है यह जो है लिखने की समस्या है। इसमें मैं आपको बता दूं, एक फिल्म है तारे जमीन पर, जिसमें आपको इसके बारे में जिक्र किया गया है कि बच्चों को 6 लिखने के लिए बोला जाता है तो बच्चे ऐसे 6 लिखते हैं, अगर उनको 7 लिखने के लिए बोला जाता है तो बच्चे ऐसे 7 लिखते हैं। इस तरह के जो है इसी को बोलते हैं डिसग्राफिया, मतलब लिखने में प्रॉब्लम होना, समस्या होना। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, देखिए व्यक्तिगत जो आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है, व्यक्तिगत जो विभिन्नता होता है
जो व्यक्तियों में जो मतलब विभिन्नता होता है उसका मुख्य कारण क्या है, वातावरण, वंशानुक्रम, वायु। तो देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है ना वो तीनों के ऊपर जो है मतलब रहता है, वातावरण के ऊपर भी रहता है, वंशानुक्रम के ऊपर रहता है, वायु के मतलब आयु के ऊपर भी रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, ये सभी के ऊपर जो है मतलब प्रमुख कारण है ये व्यक्तिगत विभिन्नता का। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये जो है सितंबर 2016 में पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, लिंग है सबसे बेहतर प्रश्न और इजी प्रश्न, लिंग क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। तो देखिए लिंग क्या है, एक प्रकार का शारीरिक संरचना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए। लिंग जो भेद होता है चाहे लिंग जो होता है वह क्या है, शारीरिक संरचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि परिपक्वता, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है, जो आपका परिपक्वता का जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है, भाषा विकास से, सृजनात्मकता से, मूल्यांकन से, समावेशी शिक्षा से। तो देखिए जब किसी बच्चों में परिपक्वता आ जाती है तो वह किस में आती है, भाषा विकास से आती है। किससे आती है, भाषा विकास से आती है, ना कि सृजनात्मकता से आती है, मूल्यांकन से आती है, ना कि समावेशी शिक्षा से आती है। समझ गए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा विकास से जो है किसी के मतलब जो आपका परिपक्वता का सिद्धांत है उसका संबंध जो है वह भाषा विकास से है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका ये सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, बुद्धि परीक्षण का जो है सबसे पहले निर्माण किसने किया, डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्फेयरमैन या आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो देखिए सबसे पहले जो है बुद्धि परीक्षण जो है अल्फ्रेड बिने ने किया था, एल्फ्रेड बिने ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे आते हैं, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र बताइए, जो बुद्धि का जो सूत्र होता है, जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका सूत्र जो होता है याद रख लीजिएगा, मानसिक आयु आपका जो होता है, मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, गुने 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए, याद रखिएगा, मानसिक आयु बाई कालानुक्रमिक आयु उसके बाद गुने में 100, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यह फरवरी 2016 में पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, बच्चों की नैतिक विकास देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगम और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। बाल केंद्रित कहने का मतलब होता है कि बच्चों की जो अभिव्यक्ति होती है, जो उनकी भागीदारी होती है, उनकी सक्रिय भागीदारी को जो है महत्व देना किसी कार्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जो आपका वाइगोत्स्की है इनके अनुसार बच्चे सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे जो है निम्नलिखित में से जो है आपको वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से जो है सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि काफ़ी ईजी प्रश्न है और आपने पढ़ा भी होगा ये, देखिए जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान कीजिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान कीजिए, यह किसने दिया था, कोहलबर्ग द्वारा या एडिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो बच्चों के जो बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्था दिए हैं वो कौन दिए हैं, तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, यही दिए हैं, याद कीजिए आप, इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 स्टेजेस जो है जिन पियाजे ने दिया है, याद रखिएगा, काफ़ी ईजी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि समाजीकरण क्या है, ये तो आपका बहुत ईजी है, बताइए समाजीकरण क्या है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच का संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। तो देखिए समाजीकरण क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ना कि बालक अपने समाज में रहकर सभी मतलब
जो आपका उनका सांस्कृतिक होता है, जो उनका रीति रिवाज होता है, रहन सहन अपने समाज को सीखता है, मतलब समाजीकरण वही होता है, नैतिक मूल्य का विकास होता है उनके अंदर, समझ गए? जो भी मतलब आसपास जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में जानते हैं, अपने समाज के गुण के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके रीति रिवाज को, रहन सहन को जानते हैं। तो समाजीकरण जो है, इसके अनुसार बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो समाजीकरण जो है, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन करना, यही ना हुआ, समाज के रीति रिवाज को जानना, उसके व्यवहार को जानना, समझ गए, कानून को जानना। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये भी देखिए, ये प्रश्न जो है सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वातावरण जो है वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, यह किसने कहा था? तो यह जो है रॉस ने कहा था। रॉस जो है, इन्होंने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए ये सितंबर आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि मानव विकास क्या है? मानव विकास खाली स्थान है, क्या है मानव विकास जो होता है? ऑप्शन देखिए, मात्रात्मक विकास है, मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या ए और दो, दोनों। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, कि मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, आलोचनात्मक चिंतन का क्या अर्थ होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है, ऑप्शन देखें, केवल सकारात्मक चिंतन, केवल नकारात्मक चिंतन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, याद रखिएगा, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आलोचनात्मक चिंतन होता है ना, इसका मतलब होता है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, आप सभी लोगों को पता है, किस सूझ के, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? देखिए यहाँ पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने का बल देती है। पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षा बोझ के साथ, ये तो नहीं बोलती है, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएं। आप अगर 5 उनका सिद्धांत मालूम होगा जो आपका NCF 2005 का है, तो उसमें एक बात लिखी गई है कि शिक्षा बिना बोझ के बच्चों को दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में जो है इनमें से किनका महत्वपूर्ण योगदान है? जैसे देखिए, केवल माता पिता, केवल शिक्षक, माता पिता एवं शिक्षक, केवल मित्र। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम अपने घर में रहते हैं, अपने माता पिता के पास रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, फिर वो विद्यालय जाना शुरू होते हैं, तो जो भी वो समाजीकरण लेके जाते हैं, जो भी वो मातृभाषा के साथ जाते हैं, तो एक शिक्षक जो होता है उनका मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो है विकास करता है, उनके सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, माता पिता एवं शिक्षक होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शैशवकाल की अवधि क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और इजी भी है, क्योंकि ये सितंबर, देखिए यहाँ पर 2015 में पूछा गया है कि शैशवकाल की अवधि क्या होता है। तो शैशवकाल की अवधि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि शैशवकाल की जो अवधि होती है वह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। कितनी वर्ष होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिकता होती है। देखिए भारत की जो अधिकांश कक्षाएं होती है बहुभाषी होती है या बहुभाषिकता होती है, इसे शिक्षक द्वारा जो है खाली स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। जो हमारे देश के जो है अधिकतर जो कक्षाएं होती है बहुभाषी होती है। बहुभाषी कहने का मतलब है कि हमारे समाज में रहने वाले विभिन्न तत्वों के लोग जो होते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनके भाषा शैली अलग होते हैं। तो क्या यह जो बहुभाषी वाली जो हमारी कक्षाएँ हैं, एक शिक्षक के द्वारा मतलब के रूप में क्या देखा जाना चाहिए? तो एक शिक्षक के द्वारा, अगर मान लें कि एक शिक्षक के रूप में है, तो वहाँ पर आपको जो है क्या देखना चाहिए इस बहु
भाषी शिक्षा कक्षाएं को दो। ऑप्शन देखिए, परेशानी देखना चाहिए, समस्या, संसाधन या बाधा। तो देखिए, एक शिक्षक के रूप में जो है बहुभाषी कक्षा को जो है संसाधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, साथ ही साथ बच्चों को बताने में भी काफ़ी मददगार जो होता है। बहुभाषी कक्षा होता है, तरह तरह के भाषा के बच्चे होते हैं, तरह तरह के समुदाय वर्ग के बच्चे होते हैं, तो बताना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसलिए जो है इसका आंसर होगा वो संसाधन होगा, परेशानी नहीं बनता है, समझ गए, ना ही समस्या बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्था पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसमें भाषा का विकास जो होता है कि अवस्था कैसे पाई जाती है, सामान्य अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, सामान्य तथा भिन्न दोनों अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो भी बच्चा होता है ना उसका भाषा विकास जो होता है तीव्र गति से होता है, लेकिन कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है, कोई बच्चा तेजी गति से सीखता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति का जो भाषा विकास है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न अवस्था होता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका दो नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, ये अगला प्रश्न आपका है कि बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बाल अपराध को रोकना है, चाइल्ड आपका जो अपराध है उसको रोकने के लिए जो है किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होगी, केवल माता पिता की, केवल शिक्षक की, केवल सरकार की, और इनमें से सभी, या इन सभी की। तो देखिए, इसका कहने का अर्थ है कि बाल अपराध को रोकने के लिए जो है सर्वप्रथम तो माता पिता, उसके बाद जो है समाज को, साथ ही साथ शिक्षक जो समाज के ही एक अंग है, साथ ही साथ सरकार, इन सभी की जो है भूमिका है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका चार नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि सितंबर 2014 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक कहने का मतलब है कि आपको मालूम होगा कि संवेगात्मक मतलब किसी को मदद कर देना, किसी को चोट लग गया तो उनके प्रति संवेग की भावना, मतलब मदद करने की भावना, हेल्प करने की भावना हो, यही होता है, सहानुभूति कहते हैं जिसे हम लोग, समझ गए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, जैसे याद करना, गतिक प्रक्रमण, फिर विचार करना या सहानुभूति देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका चार, सहानुभूति देना जो होता है संवेगात्मक बुद्धि का जो है संबंध है, समझ गए। मतलब मान लें कि बच्चा गेम खेल रहा है, उसमें कोई गिर जाता है तो हम लोग कैसे उसे उठाकर सपोर्ट करते हैं, तो यही आपका होता है संवेगात्मक, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का, ये 30वां नंबर प्रश्न है। देखिए, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की पहचान कैसे होती है। मानसिक रूप से विकलांग कहने का मतलब है कि सभी शरीर उसका अच्छा है लेकिन वो मानसिक रूप से विकलांग है, कहने का मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, बात समझ में नहीं आता है। तो इस तरह के बच्चों को जो है पहचान होती है, कैसे करेंगे, बुद्धि लंबित की तीव्र होना, मतलब मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की पहचान होती है, बुद्धि लंबित का तीव्र होना, मतलब बुद्धि का तीव्र होना, ये तो नहीं होगा भाई, उसका तीव्र होगा बुद्धि तो वो मानसिक रूप से कहाँ आती होगा, विकलांग होगा। पढ़ाई में मजबूत होना, ये भी नहीं होगा, मजबूत होगा तो उसका मानसिक रूप से विकलांग होगा ही नहीं। उच्च स्मरण क्षमता, ये भी नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, बुद्धि लंबित का कम होना, जो उसकी बुद्धि है उसका कम होना ही जो है मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका चार नंबर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये CDP 1 सेट जो मैं अभी कराया आपको समझ में आया होगा। इससे मोर देन क्वेश्चन आएंगे अगले वाले सेट में, और लेवल जो है स्लो से हाई की तरफ जाएगा, मतलब लो से हाई तरफ जाएगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको कितना नंबर आ रहा है, जरूर आप कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।